दोस्तों आज आप लोगों को मैं आसान और सिंपल तरीके से पनीर वेज बिरयानी बना के दिखाऊंगा। मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ सरसों का तेल और इसमें मैंने ऐड कर दिया साबुत गरम मसाले और इसमें मैं ले रहा हूँ 2 मीडियम साइज प्याज। प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भुनना है मुझे। यहाँ पे अच्छी बात ये है दोस्तों, ये रेसिपी कम से कम खर्चे में बनकर रेडी हो जाएगा हमारा, क्योंकि मैं इसमें चावल भी नॉर्मल वाला यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ एक बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको मुझे अच्छे से भुनना है जब तक इसका कच्चापन खत्म ना हो जाए। अभी मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें कटे हुए आलू। कटे हुए आलू मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि बाद में टमाटर के ऊपर आलू को मैं ऐड करूंगा तो आलू पकेगा नहीं, इसके लिए मैं अभी से ऐड करके पका रहा हूँ। अब मैं इसमें पानी डाल के थोड़ी देर के लिए इसको ढक के पकाऊंगा। अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ टमाटर क्योंकि आलू पक चुका है हमारा। अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 2 चम्मच नमक स्वाद अनुसार। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, बिरयानी में अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा ज्यादा रखना और चावल के मुकाबले सब्जी ज्यादा होना पड़ेगा, तब जाके आपका बिरयानी लजीज और टेस्टी बनेगा। यहाँ पे मैंने टमाटर को थोड़ी देर के लिए ढक के पकाया था, ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से हो गया। अब इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ मसाला। मसालों में मैंने लिया धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, मैगी मसाला और सब्जी मसाला। अब यहाँ पे मैं ऐड करने जा रहा हूँ सोयाबीन और मटर, बाकी आपका इच्छा आप कोई सा भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हो। मैंने इसको चला लिया। अब मैं इसमें ऐड करने जा रहा हूँ 3 से 4 हरी मिर्च और इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ पनीर। अब मुझे इसको ढक के 5 से 7 मिनट के लिए पकाना है। अब मैं इसमें ऐड करने जा रहा हूँ चावल। चावल ऐड करने से पहले मैंने इसमें से आधा सब्जी निकाल लिया था, सब्जी के ऊपर मैंने चावल ऐड किया था, चावल के ऊपर फिर से सब्जी ऐड कर रहा हूँ, अब फिर से चावल ऐड करूंगा। बिरयानी के चावल को 70% ही पकाया जाता है, बाकी के 30% दम में पक जाता है और यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ देसी घी। अब मुझे इसको ढक्कन लगा के 10 से 15 मिनट के लिए दम के लिए छोड़ देना है धीमी आंच में। यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, मैंने बिरयानी में दही ऐड नहीं किया क्योंकि मेरा तबियत ठीक नहीं है, मुझे सर्दी जुकाम हो रही है। और ये देखिए दोस्तों दही वाली चटनी के साथ पनीर वेज बिरयानी बनकर तैयार। उम्मीद करता हूँ दोस्तों रेसिपी पसंद आया होगा।